हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। तो ये आज हम फिर खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। भाई देखो, लास्ट टाइम हमने जो उसका एपिसोड खेला था ना, वो फर्स्ट टाइम खेला था, यानी मैंने फर्स्ट टाइम माइनक्राफ्ट खेला था भाई, ठीक है। और इस गेम को खेलने में यार मेरे को काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम खेला था। काफ़ी चीज़ें मिली थी मेरे को, स्पाइडर मिला था, स्केलेटन मिला था, और मॉब्स मिले थे कुछ, और कुछ ज़ोंबीज मिले थे, ठीक है, और बहुत सारी काउज एंड वगैरह। काउ तो नहीं मिली थी, बट हैर मिला था, ठीक है। बट इस बार मेरे को काउ मिल चुकी है। देखो आप देख सकते हो सामने कुछ काउज खड़ी हैं, और कुछ आई थिंक कुछ घोड़े भी हैं शायद, ठीक है। तो मेरे को मिल चुके हैं। मैं काफ़ी देर से थोड़ा सा घूम रहा था कि मैं थोड़ी इस गेम को थोड़ा सा पहचान सकूं कि हाँ भाई इसमें ये भी करना होता है और ये भी करना होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी बस घूम रहा था आजू बाजू में। अब फिलहाल यार यहाँ से ना नीचे उतरते हैं थोड़ा सा ना। आज मैं थोड़ा सा गेम को सीख कर आया था कि भाई कि देखो क्या क्या करना होता है, क्या करना नहीं होता, ठीक है। तो देखो गाइस, पहले ना मैं थोड़ा सा इसमें से कुछ कुछ बना लेते हैं। पहले ना मैंने कुछ सुना है कि कुछ लकड़ी वकड़ी काटनी होती है, उसके बाद हमको कुछ अपनी तलवार बनानी होती है, एक्स बनानी होती है। एक्स वो वाली नहीं, वो काटने वाली एक्स। हाँ, एक्स भी काटती है खैर, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें बनानी होती है। फिलहाल ना इसमें एक विलेज ढूंढना होता है, जो कि मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था, मेरे को मिल चुका है। देखो सामने आप देख ही रहे हो, वो विलेज है, वो गांव। तो मैंने ना काफ़ी टाइम से इसको ही ढूंढ रहा था, क्योंकि मैंने यार वीडियो देखी थी, उसमें मेरे को बताया गया था कि हमको पहले ना एक विलेज ढूंढना होता है चीज़ों का, मतलब ताकि हम लोग ज़ोंबी से बच सकें, मॉब से बच सकें, ये सब वगैरह, ठीक है। तो मैं काफ़ी देर से घूमता फिरता, मैंने कम से कम 2 घंटे से पहले रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तब जाके मेरे को दिखा कि हाँ यहाँ पर भी एक विलेज है, जो कि मेरे को जहाँ पर जब मैं जा सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ से प्यार से उतरूँगा, और यहाँ पे जाके मैं सामने में अपने जाने वाला हूँ अपने विलेज पे, और यहाँ पे कुछ भी लोगों से मिलते हैं, भाई क्या चल रहा है, क्या हिसाब है, क्या हिसाब नहीं है, सब देखते हैं जाके, ठीक है। ठीक है, फिलहाल मैं अपने विलेज में आ चुका हूँ। यहाँ पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, और फिलहाल पहले मैं इनके घर में घुस के एक बार चेक करना चाहता हूँ कि खुलता कैसे है। ओके, तो ऐसे खुलते हैं, और यहाँ पर कुछ यहाँ पर कुछ सेब रखे हैं, जो कि मैं सब लेने वाला हूँ अभी, ठीक है। और इसको भी ले लूँगा, इसको भी ले लूँगा, इसको भी ले लूँगा। चुरा लिया इनका खाना, ठीक है, क्योंकि इसको क्या ही पता चलेगा कि किसने चुराया था खाना। इसको बंद कर देते हैं ताकि इसे पता ही नहीं चले, ठीक है। फिलहाल इन अंकल से मैं बात करके देखता हूँ। एक मिनट, सॉरी, अंकल का खेत था, अंकल जी आप तो गुस्सा हो गए। तो फिलहाल देखो ये फार्मर है, जो कि हमको ये दे रहा है एमरल्ड, ठीक है। मतलब हमको आलू की जगह ये एमरल्ड दे रहा है, और कैरेट की जगह हमको एमरल्ड दे रहा है। एमरल्ड देखो, मैं आपको अगर आपको नहीं पता था, मैं आपको बता दूं, जो ये एमरल्ड है ना, ये एक तरीके के पैसे हैं, यानी माइनक्राफ्ट की करेंसी है, जिससे हम लोग चीज़ों को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मर है, अगर हम इसको आलू या गाजर देंगे लाकर, तो ये हमको बदले में एमरल्ड देगा, ठीक है। और एमरल्ड से भाई हमको मिलेगा, मतलब हम कुछ भी खरीद सकते हैं। फिलहाल इसके फार्मर फार्मिंग कर रहा है यहाँ पर, देखो ने टोपी भी पहन रखी है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको यहाँ से इसके सॉरी आप तो बुरा मत मानना, ठीक है। और फिलहाल मैं थोड़े और ऊपर चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे और मस्त मस्त चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिलहाल हमको थोड़े से और ऊपर चलते हैं। यहाँ पे कुछ ये कौन सी ये ब्लैक सीप है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा घर बना रखा है इसने, मैं भी अपना घर बनाऊँगा यार, टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर कुछ देखते हैं। छोटा सा घर, काफ़ी छोटा सा घर था ये स्टार्ट होते ही ख़त्म हो गया, पता नहीं चला कि ये घर भी है या नहीं। इसको तोड़ देते हैं। ओए मैं एक मिनट, मेरे पास गाजर है, तो मैं एक गाजर उसको दे सकता हूँ ना, एक बार ट्राई करता हूँ। पैटाटो मेरा ले 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 गाजर, अच्छा अब बस आई थिंक इसको एक कैरेट और देनी है लागर। आलू ले ले, इसको देना कैसे इसको मुझे नहीं पता अभी। फिलहाल अभी ना यहाँ पर कुछ और चीज़ चेक कर लेते हैं, औरों के घर पे जा छान पीन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना घर बनाएंगे। और ये भी स्टार्ट होते ख़त्म हो गया, और यहाँ पे कुछ तोड़ो से, ठीक है। फिलहाल यहाँ से बाहर निकलते हैं हम लोग, बड़ा छोटा सा घर था। तो कैसे है ना अपना अपना घर, ये क्या है वो? तो सर आपको ना हेलो, ओ भाई एक बार में ख़त्म। ओ कम ऑन यार, मैं इतने दूर से कैसे आया हूँ स्पोन होकर। ओ शिट मैन, क्या फटका मारा था तुमने मेरी खोपड़ी पर। मैं जल्दी से जाता हूँ वहाँ पर, और मेरे को मुझे पता है कि मेरा वो जो कहते हैं ना उसको विलेज किधर है, मुझे पता है। तो मैं जाकर जल्दी से विलेज के पास वापस जाता हूँ। ज़ोंबी आ चुके हैं कुछ सारे, बहुत सारे। यहाँ पे ये भी आ चुका है बेवकूफ। अबे घोड़े भाग जा यहाँ से, भाग जा मार, घोड़े ने डंकी है तो यार, ठीक है।
फिलहाल मेरे को अपने गांव जाना है, जल्दी जाता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता बिल्कुल भी, ठीक है। और देखो जाके ना पहले अपन कुछ मतलब एक्स बना लेंगे और एक अपनी तलवार बना लेंगे और एक पिकैक्स बना लेंगे जो कि पत्थरों को तोड़ने में काम आता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो इनको खोल कर इसको बंद कर देता हूँ। तो मैंने क्या लगा दिया, सर सर आप जा सकते हो, मैं थोड़े सोना चाहता हूँ। गाइस मॉर्निंग हो चुकी है और मैं इसको उठा के बेचारे के बेड पर जाकर, अरे ये जा क्यों नहीं रही, यहाँ क्या करने आ गया, मार 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 इसको, मार इसको, मार। लुक, लुक। भाई बहुत गंदे है ये, अरे मर क्यों नहीं रहा यार, कितना जिद्दी है, सुबह हो गई है फिर भी नहीं जा रहा, पत्ता मिल गई का। हाँ तो गाइस देखो आज हम एक काम करते हैं, पहले ना हम अपना घर बनाते हैं, घर ये तो वही फार्मिंग आ गया, ठीक है। तो घर बनाने के लिए हमको पहले कुछ अपने ना पहले ऐसे करते हैं, कुछ पेड़ काट लेते हैं, जिसको काटने से मेरे को कुछ लकड़ियाँ मिलेंगी, ठीक है। उन लकड़ियों से हम लोग पहले एक्स बना लेंगे और बाकी की चीज़ें बना लेंगे। तो कोई पेड़ देखते हैं, यहाँ पे कोई आसपास कोई पेड़ भी नहीं है, कि पेड़ देखो कितना दूर है वो, तो मुझे ना वहाँ जाना होगा उस पेड़ को काटने के लिए, क्योंकि आसपास कोई पेड़ ही नहीं है पूरे गाँव में। हद है भाई, कैसा गाँव है ये, इसको काट लेता हूँ। मेरे को वुड चाहिए, मेरे को लकड़ी चाहिए भाई, पेड़ नहीं है भाई पूरे उसमें यार, हद है भाई, देख रहे हो पूरे उसमें पेड़ नहीं है। वहाँ एक भी छोटा सा पेड़, उसके पास जाता हूँ फटाफट। वैसे यहाँ दुनिया भर के पेड़ हैं और मैं कह रहा हूँ यहाँ पेड़ ही नहीं है, बताओ। अरे मैं नीचे फंस गया यार, मैं नीचे करूँगा तो मेरी हेल्थ नहीं है मेरे पास इतनी, मैं मर जाऊँगा, तो मेरे को थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा पहले। बस अब आराम से, भाई बिल्ली क्या कर रही है यहाँ पर भाई, ओ हेलो, ठीक है। तो फटाफट मैं कुछ पेड़ काट लेता हूँ जल्दी, एक सेकंड। अबे इससे पंगा नहीं लेना भाई, इससे नहीं लेना, ये भाई यही बॉडी गार्ड है शायद इनका, थोड़े ने एक बार में मार देता मेरे को, ठीक है। तो फटाफट जाके इन मधुमक्खी से भी पंगा नहीं लेना यार, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो, तो पहले ना कुछ वो बना लेता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल बनाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। तो अब इसके लिए देखो मेरे को ई दबा के मेरे को प्लैंक्स को यहाँ रखना है। तो अगर मैं इनको, ये मेरे प्लैंक है ना, इसको हटाते हैं, ये मेरे पे लोग हैं और ये मेरे पे डर्ट। तो एक सेकंड, हमको ये अगर प्लैंक थोड़ी है तो ओक लोग हैं, हाँ। और अगर मैं इसको यहाँ लगाता हूँ तो मेरे को प्लैंक मिलते हैं, देखो देख रहे हो मेरे को ये लॉक मिल रहा है, मतलब ये लकड़ी मिलती है। तो मेरे को अगर इसको यहाँ लगाता हूँ तो मेरे को प्लैंक्स मिलते हैं, ये रहा, और ये यहाँ लगाया मुझे और प्लैंक्स मिल जाएंगे। तो मेरे पास अभी काफ़ी ज़्यादा प्लैंक्स हो चुके हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुमको क्या दिक्कत है सर, सर मैं कुछ कह थोड़े ना, आप जाइए ना अपना काम करिए, मेरे को अपनी क्राफ्टिंग टेबल बनाने दीजिए, ठीक है। तो फटाफट से अभी हम लोग ना क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। तो इसको यहाँ पर प्लैंक को यहाँ रखते हैं, एक यहाँ और नहीं यार ये कैसे करते हैं, एक यहाँ और एक इसको भी उठाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ। तो मेरे को मिल चुके हैं यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल, मैंने बिल्कुल सही तरीके से बनाया था। अब क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे ले जाकर अब मैं ना क्राफ्टिंग टेबल उठा लेता हूँ और इसको यहाँ रखते हैं। अब यहाँ पर ना गाइस हम तो कुछ भी बना सकते हैं, जैसे अपनी एक्स बनानी होती है वगैरह वगैरह चीज़ें, स्टिक बनानी होती है और तलवार वगैरह जो बनानी होती है ना, तो ये अब हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट पहले मैं यहाँ पे स्टिक बना लेता हूँ। तो स्टिक बनाने के लिए मेरे को प्लैंक को, एक सेकंड, इस पे काम करने के लिए मेरे को यहाँ पे पहले प्लैंक को यहाँ ऐसे रखना होता है, ठीक है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे रखना होता है। तो देखो ये देख रहे हो आप, मेरे पे अभी बन चुके हैं 4 sticks, तो मैं यहाँ पर और रख देता हूँ ताकि मेरे पे यहाँ पे और स्टिक्स मिल जाए मेरे को। तो यहाँ पे इसको रखा और मेरे को यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 12। तो मेरे पे यहाँ पे हो चुके हैं, देखो 12 sticks हो चुके हैं। 12 sticks से ये फायदा रहता है कि हम लोग ना अपनी एक्स बना सकते हैं, पिक एक्स बना सकते हैं, शॉवल बना सकते हैं, और तो और साथ हैंड टू हैंड हम स्टिक यानी वो टॉर्च भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये प्रॉफिट रहेगा इससे। तो फिलहाल मेरे को यहाँ पे स्टिक मिल चुके हैं, तो इसको वापस ले यहाँ ले आते हैं। और अब मेरे को बनाना है यहाँ पर तलवार बनाते हैं पहले अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लैंक यहाँ रखते हैं और एक प्लैंक को उसको उठा के हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। 20 प्लैंक्स हो चुके हैं, कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं इसको यहाँ पे हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी 2 स्टिक रखते हैं अब हम लोग। अब देखो यहाँ पे हम जैसे स्टिक रखेंगे ना, तो ये देखना आप, ये रहा 5 हो चुके हैं। मेरे को यहाँ पे तलवार मिल चुकी है जो मेरी बहुत काफ़ी काम आने वाली है, ठीक है। तलवार मिल चुकी है, अब मैं बनाऊंगा अपनी एक्स। तो एक्स बनाने के लिए मेरे को क्या करना होगा, अपने प्लैंक को उठाकर यहाँ रखना। यहाँ देखो मेरे को मिल चुकी है एक्स,
ठीक है, तो मैं एक्स को बना सकता हूँ, इसको ए को उठा सकते हैं यहाँ पर, एम को उठा के यहाँ रख सकते हैं। तो मेरे को यहाँ एक्स मिल चुकी है जो कि मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, और इसको यहाँ रखते हैं। ठीक है, अब मैं बनाने वाला हूँ पिकैक्स। देखो गाइस, पिकैक्स होता है ना वो काम आता है हमारा पत्थर को तोड़ने के लिए, मतलब जो स्टोन्स होते हैं ना, जो हार्ड वो होते हैं काफी, हम उनको आराम से तोड़ सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए मेरे को यहाँ पर इसको यहाँ रखना होगा, और एक चीज को उठाकर इसको भी यहाँ रखते हैं, बस ये मेरा काम हो चुका है, काफी गंदे इसको फैला रखा है। ठीक है, इसका मेरे को यहाँ पर रखना है स्टिक्स को, स्टिक्स को मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, मेरे को स्टिक्स यहाँ पे बन चुकी है भाई पिकैक्स। ठीक है, इसको भी यहाँ रखते हैं। अब मैं यहाँ से बनाता हूँ शोवल, यानी वो होती है कुल्हाड़, नहीं सोवल वो नहीं, खोदने जो मिट्टी खोदने के लिए काम आती है, तो अब वो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक को यहाँ देंगे प्लैंक को, बाकी यहाँ पर देंगे दो स्टिक्स, एक यहाँ और एक यहाँ। तो मेरे को मिल चुकी है यहाँ पर स्टिक्स। ठीक है गाइस, तो देखो मेरा यहाँ पर काम हो चुका है, मेरी तलवार बन चुकी है, मैं इसे बहुत जल्दी मार सकता हूँ, मर इससे जाते इस तो मैं अपने हाथ से मार रहा था, बहुत बढ़िया। तो ये मेरे को मीट देके चला गया है। देखो गाइस, हम काटने को, तो देखो मैं तलवार से अपने वो काट सकता हूँ। ठीक है, अब मैं तो एक्स नहीं, मेरी एक्स कहाँ, देखो ये रही। तो इससे ना मैं पेड़ पौधे, मतलब पेड़ काट सकता हूँ बहुत जल्दी। देखो काट तो अपने हाथ से भी सकता था, बट ये हाथ से ना काफ़ी टाइम लगता है काटने में। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ पेड़ काट के, देखो जैसे मैं ये आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी कट रहा है इससे, ये देखो इससे काफ़ी आराम से मैं काट सकता हूँ, मैं कुछ भी आराम से, बहुत मज़े इतने मज़ेदार रहेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम ना, कुछ पहले बना लेते हैं अपना एक घर। घर बनाने के लिए मेरे को आई थिंक मुझे कुछ ये डर्ट चाहिए, नहीं कुछ ये अपने पिक चाहिए होगा, राइट। अगर मेरे को अपना घर बनाना है तो मेरे को आई थिंक यही चाहिए ना, पिलर विलर। तो मेरे पास अभी तो 6 ये हैं, मैं और ले लेता हूँ अगर मुझे और की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे करता हूँ, पहले अपनी क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ से मैं उठाता हूँ, इसको उठाता हूँ, नहीं यहाँ से उठाते कैसे हैं इसको, एक काम करते हैं पहले हम ई दबा कर ना इसको यहाँ से यहाँ रख देते हैं, तो ये उठाएगी यहाँ पर, और इस स्टिक्स को यहाँ रख देते हैं। इस स्टिक्स का कुछ काम नहीं है, इनको अच्छे से कंबाइन कर देते हैं हम, ताकि मेरे को बाद में दिक्कत ना होए। बस यहाँ पे 6 रख देते हैं, ठीक है इसको, और ये पेड़ पौधे भगाओ यहाँ से भी। फिलहाल मेरे पास देखो ये रहा, तो मैं ना इसको उठा सकता हूँ। तो इसको उठाने के लिए कैसे क्या करना पड़ता है, ये तो आई थिंक ये टूट गया यार, ये तो मैंने तोड़ दिया, नहीं 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 उठा ले उठा ले उठा ले, ये ना मेरे पास आ गया, ये देखो ऑल राइट। तो इसको मैं ऐसे उठा सकता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, अब हम लोग बनाते हैं अपना घर, तो कोई साफ सी जगह देख लेते हैं, थोड़ा सा विलेज के पास देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कोई अच्छा सा, इससे तो दूर ही रहो, ये तो बहुत बुरा इंसान है, ठीक है। तो कोई अच्छी सी जगह देखेंगे कोई अपना घर बनाने के लिए, तो मैं थोड़ा सही से लगे। इन्होंने तो काफ़ी चीज़ें अपने बेड़ बेड़ भी पाल रखी हैं। फिलहाल मैं कोई सही सी जगह देखता हूँ जहाँ कि मेरे को काफ़ी अच्छा रहे, और क्योंकि देखो यार अपना घर बनाने में ना अलग ही मज़ा है। बंद कर देते हैं इसे गेट को, ठीक है, कभी हम पे नाम लगा दें कि हमने किया है। तो अभी हम थोड़े शहर से यहाँ घर बनाए, कोई ओपन सा एरिया दिख जाएगा ना। देखो गाइस, ये जगह काफ़ी अच्छी दिख रही है, मैंने उसको थोड़ा साफ सा कर लेता हूँ, इसको साफ मैं कर लूँगा ना इस वाले एरिया को, तो मेरा घर काफ़ी अच्छी तरह से बनकर दिखेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ इसको साफ कर लेता हूँ फटाफट से, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। और राइट गाइस, हमने फाइनली देखो यहाँ पे पूरा एरिया सफा कर दिया, कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, तो हमारा बड़ा सा घर बन जाएगा, तो मज़ा आएगा। फिलहाल ना गाइस, मेरे को यहाँ पे बेड बनाना है, क्योंकि रात हो चुकी है और वो स्केलेटन्स टाइप की, मकड़ी टाइप की आने वाले होंगे। देखो बेड बनाने से एक फ़ायदा होगा, क्योंकि बेड जब हम बना लेंगे ना, तो बाई चांस अगर हमको मॉप या ज़ॉम्बीज या वो स्पाइडर हमको मार देता है ना, तो हम लोग वापस से उसी बेड से रिस्पॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको वापस से उसी पहाड़ के पीछे से रिस्पॉन नहीं होना, जैसे हम लोग अभी हुए थे, ठीक है। तो मेरे बेड बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा काम है, तो मेरे को बेड बनाना है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ बेड बनाते कैसे हैं। देखो फिलहाल मेरे को ना यहाँ पर, अगर मेरे को उसके लिए चाहिए वुल चाहिए, तो मेरे को कुछ भेड़िया मारनी पड़ेंगी, भेड़िया मेरे को मिलेंगी, भेड़िया मारनी पड़ेंगी, क्योंकि भेड़िया से हमको मिलेगा वुल, तो वुल काम आएगा हमको बेड बनाने में। तो फिलहाल मेरे को यहाँ पर अभी भेड़िया मारनी है, और ये क्या है, अबे ये क्या आइटम है, अबे ये कैसे एलियन है, चलो इसको छोड़ते हैं फिलहाल, ठीक है। गाइस आ गया, आ गया, आ गए आतंकवादी, आ गए आतंकवादी, आ गए। ओ भाई, ओ अपना गेट खोल, अब यहाँ से फक सुन दे मेरे को, यू मे नॉट रेस्ट नाउ, देर आर मॉन्स्टर नियर बाय,
मेरे आसपास ही है। अरे खड़ा हो ना यार, यहाँ से क्यों सो रहा है, मुझे सुन दे। अभी वो मेरे आसपास है गाइस, तो इसलिए ना मैं सो भी नहीं सकता। इसे बहुत नींद आ रही है। खड़ा हो, चुपचाप माँ की दही कर दी, फिर सो जाएगा। देखो फिर सो गया, चल तो सो जा आराम से। मैं ना बाहर निकल के थोड़ा सा देख लेता हूँ, क्योंकि आसपास वो है तो नहीं ना। वो देखो गाइस, पूरा पूरा दिख रहा है, तो मैं शायद से आप सो सकता हूँ। खड़ा हो यहाँ पर। ऑलराइट, तो गाइस मैं चला सोने के लिए, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी अपना, मतलब हमको रात पे मुंह पे खड़ा है भाई मेरा बंदा, ये मतलब बंदा नहीं मुंह पे खड़ा है। सॉरी सर, मैं आपको यहाँ पे सो गया था आपके बेड पर, फिलहाल मेरे को यहाँ पे और काम वाम है, तो फिलहाल मैंने रात को वो सफा कहाँ करा था वो वाला एरिया, आई थिंक इससे नीचे उतर के करा था ना, और वो एरिया है देखो ये रहा, जहाँ मैंने पूरा सफा कर दिया था भाई, कितना मस्त लग रहा है ना, एकदम साफ सुथरा था। बाकी इनका आई थिंक ये मेन रास्ता सा है, बट कोई बात नहीं। हाँ फिलहाल मेरे को यहाँ पे भेड़िया मारनी थी ना, तो मैं जाके जल्दी से भेड़िया मार देता हूँ। भेड़िया नहीं यार, भेड़ भेड़ यानी सिप, मैं बार बार भेड़िया क्यों बोलता हूँ उसको, पता नहीं क्यों मेरी जुबान पे भेड़िया भेड़िया लेता है। तो देखो गाइस, फिलहाल मेरे को सिप दिख चुकी है यहाँ पर, तो मैं अभी इसको मारने वाला हूँ यहाँ पर 2 मिनट। और कितनी जल्दी मर गई, देख रहे हो गाइस कितनी जल्दी मर गई है वो। एक्चुअली तो यार एक काम काफ़ी आसान हो जाता है, तो मेरे को आपको कुछ वुल्स मिली है, मैं देख लेता हूँ। हाँ 2 मिली हैं, 2 से कुछ खास काम नहीं चलने का, तो मैं आई थिंक 3-4 और मार देता हूँ, जिससे मेरे को कुछ अच्छी सी वुल्स मिल जाएंगी, जिससे मैं प्यार से बेड बना सकता हूँ। और ये ख़त्म, दो आपका भी स्वागत है। फिलहाल मेरे को यहाँ पर आई थिंक कुछ 5 वुल्स मिल चुकी है, जो कि आई थिंक मेरे बेड के लिए इनफ है, ठीक है। तो मैं फिलहाल मैं जाने वाला हूँ अपने वापस से अपने उस रास्ते पर, पे लगाता हूँ अपनी क्राफ्टिंग टेबल थोड़ी साइड में अच्छे से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जल्दी से बना देता हूँ अपने बेड, क्योंकि तो मेरे को काफ़ी इजीली, मेरे को तंग नहीं करने की ना, तो फटाफट से मैं कुछ वूल्स लगाता हूँ यहाँ पर मैं जल्दी से। एक वूल, 2, और यहाँ पर मैं एक और लगा देता हूँ फटाफट से। यहाँ पर इसको उठाया और यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो मेरे को वूल्स मिल चुके हैं, यहाँ पर मैं प्लैंक लगाना है मेरे को यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। तो 1, 2 एंड देन हमको 3। तो यहाँ देखो मेरे को बेड मिल गया, देख रहे हो, यहाँ मेरे को बेड मिल चुका है, जो कि मेरे लिए बहुत ही सिंपल है। अब मेरे को यहाँ से क्या करना है कि मैं इस बेड से ना मैं अपना सिंपल एक बेड यहाँ पर रख दूंगा, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिलहाल मैं अपने बेड को ना यहीं रख देता हूँ, तो यहाँ पे ना काफ़ी आराम से मैं सो भी जाऊँगा, तो मुझे कोई तंग नहीं करने का। तो फिलहाल यहाँ पे बनाते हैं अपना घर जल्दी से, कोई मस्त सा प्लैंक देख के, कोई बड़े, मतलब प्लैंक तो हमारे पे है, कुछ बढ़िया से घर देखते हैं। ऐसे करते हैं इस हरे हरे वाले पे ना पूरे को अच्छे से कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पे थोड़ा लकड़ी का हिसाब बनाते हैं पहले, थोड़ा सा आई थिंक ये प्लैंक से बना देते हैं ऐसे। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा पिलर बनाएंगे ना लंबा, तो मज़ा आ जाएगा। ये इसके स्ट्रेट में आ रहा है ना, तो थोड़ा सा हम यहाँ से लेंगे एक, बहुत सही, ठीक है। और अब इसको थोड़ा पीछे से लेंगे, अगर हम यहाँ से गए तो बिल्कुल सीधे घर आना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ रखेंगे इसको हम, ठीक है। ये हुआ, अब यहाँ से थोड़ा सा छोटा सा, और गेट रखेंगे इसका मेन पर, लेट्स मीन गेट यहाँ रखेंगे इसका, यहीं आना चाहिए ना, बस बहुत बढ़िया। तो गेट अभी हम लोग यहीं रखने वाले हैं। फिलहाल मैं अपना जल्दी से बना देता हूँ उसका ये एरिया, तो यहाँ पे मैंने इसको बनाऊँगा, और थोड़ा सा पिलर थोड़े मोटे रखेंगे ताकि हमें काफ़ी आसान होए, ठीक है। और इसको भी यहाँ से कवर करेंगे। अभी घास कैसे उग गई इनके ऊपर अपने आप, क्योंकि मेरे को इतना अच्छे से नहीं पता कि घर कैसे बनाना है। हाँ बट मैं फुल कोशिश करूँगा अपने एक प्यारा से घर बनाने की, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे घर बना चुका हूँ, और थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, तो ऐसे करते हैं इसको यहाँ रख कर थोड़ा सा यहाँ से इसके ऊपर बना देते हैं, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। अरे रखते कैसे हैं यार, ये रखे हैं कैसे। ऑल राइट, थोड़ा सा और ऊंचा बनाए इसको, इतना बहुत है, इतना बहुत है ना। ऐसे करते हैं इसको फोड़ो पहले, यहाँ पे अच्छा ही लग रहा है ये चीज़, ये सही लग रहा है ना, अब थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि ना वो काफ़ी अजीब सा लग रहा था यार, सच में वो काफ़ी अजीब सा लग रहा था। ये ले, ये बनाया यहाँ पर हमने अपना, ये थोड़ा सा इसको और मोटा करना पड़ेगा, तभी जाके थोड़ा सा मैं कुछ लकड़ी इकट्ठी करके लाता हूँ काफ़ी अच्छे से, ताकि मैं और अच्छे से घर बना सकूँ अपना। ओके, तो फाइनली मैं काफ़ी सारी लकड़ी लेकर आ गया था, ताकि मैं अपने घर को अच्छे से बना सकूं, अच्छे से बिल्ड कर सकूं, बड़ा सा घर, ठीक है। तो मतलब प्लैंक लेके आ गया था, ठीक है। तो अब मुझे काफ़ी अपना काफ़ी अच्छे से घर बनाना है, जो कि मैं बना के रहूँगा, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं सोचना, मैं सिर्फ घर बनाऊँगा अपना, और काफ़ी मजबूत बनाऊँगा कि यार सब लोग देखते रह जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर 3 बॉक्स आने हैं ना,
तो आई थिंक एक दो तीन, तो एक दो तीन, हाँ तीन बॉक्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी एक लगाएंगे, इसको तोड़ेंगे और यहाँ पर भी एक लगा देंगे, जिससे कि हमारा और अच्छे से बिल्ड सा लगेगा थोड़ा क्वालिटी। और एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं सोच रहा था कि मैं इतनी ऊपर लगाऊंगा कैसे। अरे ये क्यों वेस्ट जाएगा मेरा यार। ठीक है, देखो इतना बना ही चुका हूँ मैं, बाकी मैं इनको पूरा कवर करने वाला हूँ। ये देखो मैं जल्दी से अपना पूरा घर बना लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, फाइनली जाकर ये मेरा इतना घर भाई बन चुका है भाई। बहुत टाइम लग गया और बहुत मेहनत लग गई इसको बनाने में। तीन रात बीत गई हैं, तीन या चार रात, हाँ इतनी तो बीत गई होगी। आप सोच रहे होंगे यार इतने ऐसे घर बनाने में तीन से चार रात कैसे लग गई। तो भाई देखो मेरा फर्स्ट टाइम था, मतलब पहले माइनक्राफ्ट में पहली बार फर्स्ट टाइम घर बनाया, तो मैंने कैसे कैसे चीज़ें ऐड करा कि कैसे ना कैसे करके मैंने ये ऐसा घर बनाया। और जो ऊपर आप देख रहे हो ना, ऊपर जो अपनी लेंटर देख रहे हो, ये मैंने स्लैब से बनाया है जो कि प्लैंक से ही बनता है, प्लैंक से मिलकर स्लैब बनता है जो कि मैंने बनाया। अब पता है यहाँ पर क्या कमी है, यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत अंधेरा और बहुत गेट, यहाँ पर गेट नहीं है और बहुत अंधेरा अंधेरा लग रहा है। और जब गेट बन जाएगा तो और भी ज़्यादा अंधेरा लगेगा। ठीक है, तो मैं ना अभी क्या करता हूँ, फिलहाल एक गेट बना लेता हूँ फटाफट से ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर फटाफट और कुछ यहाँ प्लैंक्स लगा देता हूँ। प्लैंक पे तीन ही बच रहे हैं, तो मेरे पास कुछ जल्दी से गेट बना देता हूँ मैं। एक दो तीन और दो यहाँ से लिए, एक दो, एक और लिया और एक प्लैंक और मिल जाएगा यार, मिल जा नहीं मिलेगा भाई। तो पहले ना मेरे को इसको उठाकर मेरे को पहले वो बनाना होगा कुछ, वो बना लूँगे कुछ प्लैंक्स। ठीक है, हो गया। बस अब मैं इसको उठा के वापस से यहाँ ले गया था और यहाँ बना देता हूँ मैं जल्दी से। अब प्लैंक कुछ, मतलब प्लैंक सर गेट बना देता हूँ फटाफट से ताकि मेरे लिए इजी हो जाए, बाद में मुझे कोई हार्ड ना पड़े। ऑल राइट, तो मुझे यहाँ पर गेट मिल गया तकड़ा सा और मैं यहाँ पर अब मैं अपना गेट उठा लेता हूँ। और मैं गेट को कहाँ लगाऊँ, ये कैसा गेट है। ओके, तो यहाँ पर एक गेट ओपन है, इसके आगे एक गेट और लगा देता हूँ। ऑल राइट गाइस, मैं फाइनली मेरा ये होने वाला है। आप सोच रहे हो कि मैंने इसे क्यों लगाया, ताकि मैं ऊपर चढ़कर इस पे थोड़ा सा अच्छे से इसको कर सकूँ, बट भाई मुझे लग नहीं ना मैं ऊपर चढ़ पाऊंगा। पर कोई नहीं, मैं यहाँ से जंप करके अपना इसको लगा सकता हूँ। ठीक है, एक हुआ है, दो यहाँ से हो गया, ये क्या बात। आज तो अपने घर में सोना है, कुछ भी हो जा। ये लगाया, इसको भी किया बंद, यहाँ से बंद। और पहले फटाफट से इनको यहाँ से हटाते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये पायदान का काम कर रहा है इतना मस्त।
ठीक है, फिलहाल यहाँ से हो चुका है। और मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या गेट ला सकते हैं हम, और गेट बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फटाफट प्लैंक लगाना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और प्लैंक्स कहाँ है मेरे, ये रे, तो एक दो यहाँ आ गया, सुम भी आ गया। यार मैं सोच रहा था मैं गेट बना लूँगा, अरे ज़ॉम्बी जाना ही पड़ेगा यार, कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते। ये कितनी जल्दी सोता है, सो, अरे मुझे सोना यार मेरे बेड पर। ओके जल्दी सो, जल्दी सो, जल्दी सो, जल्दी उठियो नेक्स्ट मॉर्निंग। यार मुझे लगा था यार मैं अपने ना रूम में सो ही जाऊंगा, इस बार अपने कमरे में सो ही जाऊंगा, बट यार ये जो बहुत बदतमीज आ गया, ये क्या था बेटा, सेकंड यार ये मॉन्स्टर टाइप के अभी भी जिंदा है यहाँ पर, ये गए क्यों नहीं, मुझे लगा ये चले गए होंगे यार, मेरे पास मेरी हेल्थ नहीं है, देख रहे हो। मेरे पास कुछ है भी नहीं खाने को, मेरे पे गेट जरूर है, गया क्या वो, मेरे पे कुछ हेल्थ नहीं है तो मैं भूखा हूँ काफी, गया ना वो, है तो नहीं ना यहाँ पर, खा लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, फाइनली मेरा जो घर है बनके तैयार हो गया। कहाँ टक गया ये, मेरा घर फाइनली बनके तैयार हो गया, देख रहे हो मेरे पास क्या क्या, मैंने कितनी मेहनत करी है भाई इस घर को बनाने के लिए। यार सच कहते हैं यार लोग बाग कि घर बनाने में भाई हालत बुरी हो जाती है यार, सच्ची में देख रहे हो ये घर अजीब सा घर, में कैसा घर है, बट हाँ यार बहुत मेहनत लग गई इस घर को बनाने में। मैं फटाफट इसको उठा देता हूँ और इसको लेके अपना अंदर घर में जाऊंगा, अब आपको इस घर में एंट्री करने वाला हूँ गाइस। ठीक है, तो ये खोला मैंने गेट और ये मैंने किया इसको बंद, फाइनली मेरा घर काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी आपको काफ़ी अंधेरा अंधेरा लग रहा है ना, तो अभी तक इसमें टॉर्च वॉर्च वगैरह काफ़ी चीज़ें आनी है, अभी टॉर्च लगानी है काफ़ी, मतलब लाइटिंग करनी है, काफ़ी चीज़ें लगानी है अभी इसमें, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, मेरे को कमेंट्स में आपको बताना आपको कैसा लगा गेम प्ले वीडियो, आपको कैसा लगा छोटा सा गेम प्ले, कैसा लगा मेरा घर, ठीक है मेरे को कमेंट में जाकर जरूर बता देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और हाँ जाकर कॉमेंट करके बताओ कैसा लगा, प्लीज़ यार कॉमेंट करके बताओ, ठीक है। और अगर आपको अगर मेरे को और अच्छा घर बनाना चाहिए, मतलब और बड़ा घर बनाना चाहिए, ठीक है, तो मेरे को कॉमेंट बता देना। और हाँ गाइस, आपने कहा था ना कि मेरे को ऐड कर लेना, तो मैं आपको ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो मैं मतलब कमेंट किया था मेरे दो सब्सक्राइबर ने, दो व्यूवर्स ने कि भाई मेरे को भी आपके साथ खेलना है, मुझे अपनी आई डी में ऐड कर लेना, तो भाई मैं आपकी आई डी मेरे पास है, मैं आपको ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो आप अभी जाओ जाके कमेंट करो कैसा लगा गेम प्ले वीडियो, और घर कैसा चाहिए, और बड़ा चाहिए कैसे चाहिए, और भाई हमारे घर में गुस्से झापट मार दूंगा तेरे, ठीक है, बहुत मेहनत से बनाया है, ठीक है। और गाइस जाके वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, 350 सब्सक्राइबर के एम में जाके जल्दी जल्दी से करवा दो। हम मिलते हैं किसी और धमाकेदार गेम प्ले वीडियो के साथ, तो अभी के लिए पापा। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign.